यहां दो और तुम्हें कहां मिलेगा? ऊपर मिलेगा। बहुत लोग ऐसे आते हैं, कहेंगे तुम यहां जो भी दान दक्षिणा जो भी दोगे उसके बदले तुमको कहां मिलेगा? ऊपर मिलेगा। ऊपर कहां मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा। और हमारे लोग क्या करते हैं, दान कर देते हैं, लेकिन ये बिचारे नहीं किया कि भाई हमको पैसा की जरूरत कब है? आज हमारे ऊपर समस्या आज है, पैसा की जरूरत हमको आज है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, घर मकान बनवाना है, बच्चों का शादी विवाह करना है, तो जरूरत तो आपको अब है ना, लेकिन आपको बताएंगे क्या मिलेगा कब? मरने के बाद, जब आप स्वर्ग में जाएंगे। जो भी आप यहाँ पे देंगे वो आपको कहाँ मिलेगा? ऊपर मिलेगा। और हमारे लोग दान कर देते हैं, दे देते हैं, लेकिन एक बार माताओं बहनों सीख लीजिए आप लोग, एक बार जो व्यक्ति आए आपसे कहे कि जो भी यहाँ पे हमें दोगे वो तुमको ऊपर मिलेगा, उससे आप एक बार कह के देखिए कि बाबा जी हमको कुछ पैसों की जरूरत है। ऐसा करिए, आप हमको यहीं पे दिला दीजिए और जब हम ऊपर आएंगे तो ले लेना। कोई आपको कुछ देगा? बताइए अम्मा बहन, एक पैसा भी आपको कोई नहीं देने वाला। आप उनसे बस इतना कहिए कि भाई हमने तो बहुत बार दिया है कि हमको ऊपर मिलेगा इस लालच में, लेकिन आप ऐसा करिए हमें कुछ पैसा आप यहीं पे दिला दीजिए और जब हम ऊपर आएंगे तो हमसे ले लेना, कोई आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। तो माताओं बहनों ये सब चीजें आप कुछ समझिए, जानिए, अपने फायदे के लिए लोग आपको अंधविश्वास में उलझाते हैं। हमारे लोग क्या करते हैं, माताएं बहनें जाती हैं, जैसे कहीं पर पैसा दान किया, अब बोलो आपको वो दान लेता कौन है? भगवान लेता है। बताओ माताओं बहनों, इस भारत भूमि पर जितने भी मंदिर बने हैं, जितनी भी प्रतिमाएं बनी, उनको बनाने वाला कौन है? इंसान। मंदिर कौन बनाता है? इंसान। मूर्ति कौन बनाता है? इंसान। उस मूर्ति को कपड़ा कौन पहनाता है? इंसान। नहलाता धुलाता कौन है? इंसान। और उस मंदिर में दीपक कौन जलाता है? इंसान। सब कुछ इंसान ही करता है उनके लिए। और उसके बाद में जो वहां पर पैसा चढ़ता है वो कौन लेता है? कौन लेता है भाई? अगर आप किसी स्थान पे जा रहे हैं तो कुछ मांगने के लिए जाइए, अगर आपको मिल जाए तब तो अच्छा है जाना, और वहां पे जाके आप ही दे रहे हो तो क्या फायदा हुआ भाई? बताइए, आप लोग समझ नहीं पाते हैं। आप लोग, आपने वहां पर जो भी दिया वो कौन लेके जाता है? आपके जैसा एक होशियार चतुर चालाक आदमी बैठा है, आप चढ़ाते हैं और वो उठाता है। आप मेहनत मजदूरी करके अपना पैसा जोड़ जोड़ के रखते हैं और फिर जाके दान करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, और वहां पर बढ़िया एक आदमी बैठा हुआ है, वही पैसा उठा के ले जा रहा है, अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, अपना घर मकान बनाता है, वो अमीर होता जा रहा है और आप गरीब होते जा रहे हो। ये सब चीजें समझने की जरूरत है। हमको आपको बताया जाएगा क्या कि सब ऊपर वाले के सहारे छोड़ दो, चिंता ना करो, सब भगवान के भरोसे छोड़ दो। और भैया आपने देखा होगा किसी भी मंदिर में जब जाते हैं वहां जो दान पेटी रखी होती है ना, उस दान पेटी में ताला जरूर पड़ा होता है। कहीं देखा आप लोगों ने कोई दान पेटी बिना ताला के रखी हो? देखा है? नहीं। आपको क्या बताएंगे कि सब ऊपर वाले के सहारे छोड़ दो, चिंता ही ना करो, अपना घर परिवार पत्नी बच्चे सब ऊपर वाले के सहारे छोड़ दो। और वो लोग क्या करते हैं, जब मंदिर से आते हैं शाम को तो मंदिर में ताला जरूर लगा देते कि भगवान की मूर्ति है ना, कोई उठा ले जाए। उनको नहीं भरोसा है ऊपर वाले पे। और आपको शिक्षा देंगे कि सब ऊपर वाले के सहारे छोड़ दो, चिंता मत करो। और वो लोग क्या करते हैं, क्या उनको भरोसा है ऊपर वाले पे? नहीं ना, दान पेटी में तो ताला पड़ा है, आएंगे मंदिर में तो ताला पड़ा है, बताओ फिर आपका भला कहां से हो जाएगा भाई? जिनकी सुरक्षा रक्षा खुद इंसान कर रहा है वो आपकी रक्षा सुरक्षा कहां से करेंगे? मेरी माताओं बहनों, इसलिए अंधविश्वास में मत पड़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ,
बाबा साहब अंबेडकर ने हमको ये संदेश दिया है, ललित सिंह यादव ने, रामास्वामी नायकर ने, साहू जी महाराज ने, अनेक महापुरुषों ने हमको जिंदगी भर ये समझाया है। जब तक वो महापुरुष जीवित रहे यही समझाते रहे, यही बताते रहे कि आडंबर में मत पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को शिक्षित करो, और जब तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख करके कुछ बन जाएंगे, अच्छे ऊंचे पद पे पहुंच जाएंगे, तुम्हारी समस्याएं खुद ही खत्म हो जाएंगी, फिर किसी के आगे झोली फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी माताएं बहने यहाँ से संदेश लेके जाइए, ये बातें सीख के जाइए कि सुबह सुबह दो घंटी बजती है, एक घंटी कहाँ की बजती है, मंदिर की, और एक घंटी कहाँ की बजती है, स्कूल की। सुबह सुबह दो घंटी बजती है, एक मंदिर में, एक स्कूल में। अब आपको ये सोचना है कि आपका बच्चा किस घंटी की तरफ जाएगा तो उसका भविष्य अच्छा होगा। भाई आपका बच्चा अगर स्कूल की घंटी की तरफ जाएगा तभी तो उसका भविष्य अच्छा होगा, और मंदिर की घंटी की तरफ भेजने लगे तो क्या होगा, कुछ नहीं बन पाएगा। भाई आपका बेटा अगर कांवर ढोएगा, कांवर लेके जाएगा तो गंजेड़ी बनेगा, भंगेड़ी बनेगा। भाई अगर धर्म के चक्कर में पड़ेगा तो आपका बेटा क्या बनेगा, नशेड़ी बनेगा, गंजेड़ी बनेगा, भंगेड़ी बनेगा, क्योंकि धर्म तो ये कहता है गांजा भी प्रसाद है, भांग भी प्रसाद है, दारू भी प्रसाद है। तो आप बोलो अगर धर्म के चक्कर में आपका बेटा पड़ेगा तो क्या बनेगा, भाई कुछ नहीं बन पाएगा। और अगर आपने अपने बच्चे को पढ़ा दिया है, थोड़ा बहुत आपका बेटा पढ़ गया है, तो वो कोई छोटा सा ही धंधा कर लेगा, व्यापार कर लेगा, बिजनेस कर लेगा, कम से कम उसको किसी की गुलामी तो नहीं करनी पड़ेगी, भले उसको सरकारी नौकरी ना मिले। अगर आपने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दिया है तो प्राइवेट नौकरी ही कर सकता है, कुछ थोड़ा बहुत वो धंधा बिजनेस कर लेगा, आराम से तो उसकी जिंदगी चलेगी। इसलिए माताओं बहनों, आपने अपने बच्चों को जन्म दिया है, उन्हें किस्मत के सहारे, भगवान के सहारे, ईश्वर के सहारे मत छोड़िए। क्योंकि हमारे समाज में अक्सर ऐसा होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो माताएं बहने कहती, अरे भगवान जन्म दिए तो कहूं खायुग दे हैं, भगवान जन्म थोड़े दिए, जन्म आप दिए हो ना, भगवान थोड़े जन्म दिए हैं। अक्सर करके देखा होगा जब बच्चे का जन्म होता है बूढ़ी अम्मा लोग आशीर्वाद देती है, अरे कोई बात नहीं, भगवान मुंह चीरी ने तो कहूं खायुक दे हैं, चिंता ना करो, सब अपनी किस्मत से कमाओ खाओ करिए। माताओं बहनों सहारे मत रहो, बच्चों को आप अच्छा बनाओ, काबिल बनाओ, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ। ये अधिकार आपको बाबा साहब ने बड़ी मुश्किलों का सामना करके दिलाया है, ये आजादी, ये पढ़ने लिखने का अधिकार ऐसा नहीं मिल गया। बाबा साहब ने पूरी जिंदगी दुख उठाया है, पूरी जिंदगी संकटों का सामना किया है, भूखे रहे, प्यासे रहे, बच्चे भुखमरी से तड़प तड़प के मर गए, मरे तो बच्चों को कफन नहीं मिला, पुराने कपड़ों में लपेट के बाबा साहब के चार चार बच्चे दफनाए गए, बहुत कुछ बाबा साहब ने झेल करके तब जाकर के आज आप इस स्थिति में आए हैं। तो उसको आप किसी दूसरे के आगे झोली फैला के व्यर्थ मत जाने दीजिए, आप उसका सही उपयोग करिए जो बाबा साहब ने आपको दिलाया है। बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की, बोलिए भगवान बुद्ध की, सम्राट अशोक महान की।